सो हेलो यूट्यूब, आज की वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा क्योंकि मैंने एक इंडियन प्रोडक्ट ऑर्डर किया है ब्लिंकिट से। मैंने लास्ट टाइम भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जिसका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन ब्लिंकिट के रिटर्न पॉलिसीज वगैरह मुझे इतना यूज टू नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसी के साथ अनबॉक्सिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो पूरा पैक पीस ऐसे उन्होंने पैक करके दिया है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें महंगा प्रोडक्ट है। So the product I was talking about is the Mevi Roam 2 Bluetooth speaker. Pack piece लग रहा है। MRP is 3000 rupees. मुझे 1000 rupees में मिला है, तो मैंने सोचा कि सेम प्राइस है Amazon की तरह, तो क्यों ना Blinkit से ऑर्डर किया जाए, इसीलिए मैंने Blinkit से ऑर्डर किया। मुझे बस एक ही कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर बहुत पुराना ना हो। ओके, मैन्युफैक्चरिंग जैन 2024, एक्सेलेंट। बस एक महीना पुराना दो महीने पुराना मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि इसकी बैटरी अच्छी होगी। तो मैं बेसिकली एक मतलब कॉलर स्पीकर, जो क्लिप वाला स्पीकर कुछ आते हैं मार्केट में, नॉन ब्रांडेड है, जेनेरिक स्पीकर्स है। एक है पोट्रॉनिक का टॉक 3 करके मॉडल है, जिसमें मैं वो मतलब जेब में डाल के घूम सकता हूँ और उसमें माइक है, उसके साथ मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उसकी प्राइस 1500 थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी बैटरी भी बहुत छोटी थी, इसकी बैटरी 2000 mAh है। और मैंने जो भी रिव्यूज़ देखे ऑनलाइन तो सबसे अच्छे इसके रिव्यूज़ थे। तो मैं क्विकली आपको, इन्होंने ड्राइवर का साइज़ मेंशन नहीं किया, क्विकली स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ड्राइवर का साइज़ मेंशन नहीं किया, ठीक है। बिल्ट विद मेटेलिक ग्रिल, इसको सही में मेटेलिक ग्रिल है। पेयर ऑफ टू रूम स्पीकर फॉर डबल साउंड, ओके। TWS इस पर चलता है, मतलब ट्रू वायरलेस सराउंड। तो स्टीरियो इफेक्ट आपको मिलेगा अगर आप दो स्पीकर ऐसे सेम टू सेम लेते हो। पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी, ठीक है। मुझे ये पोर्टेबल ही चाहिए था, इससे भी छोटी साइज़ मिलती तो मैं वो वाला स्पीकर लेता, लेकिन इससे छोटा डायरेक्ट इन्फिनिटी का था, जो एकदम स्मॉल स्पीकर आता है, उसमें भी माइक है लेकिन उसकी बैटरी बहुत कम थी। मुझे ऐसा चाहिए था कि दिन भर मुझे हेडफोन ना पहनना पड़े, और मेरे को माइक भी चाहिए था उसमें, सो दैट मैं कॉल रिसीव कर पाऊँ। मतलब ये इन शॉर्ट हैंड्स फ्री है, जो उस पर्पज से मैं यूज़ करने वाला हूँ। 1 ईयर वारंटी मिलेगी इस पर, पूरा पैक पीस है, इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। 5 वॉट RMS इसका आउटपुट है, 24 आवर्स प्लेबैक इन्होंने क्लेम किया है ऑन 50% वॉल्यूम। ब्लूटूथ 5.0 है इसमें, पूरा पैक पीस है। मुझे कलर का ऑप्शन ब्लिंकिट पे नहीं मिला, मुझे पता नहीं कौन सा कलर उन्होंने, ब्लैक कलर है, ओके। कलर का ऑप्शन ही नहीं था, जो मिला वो लेना पड़ा मुझे। चलो इसको क्विकली ओपन करते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल स्पीकर, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग। नीचे कुछ QR कोड है, 4 लेग्स है इसको, सो दैट आप मतलब ऐसे खड़े करके इसको रख पाओ। वैसे तो कॉम्पैक्ट है, जेब में फिट आना चाहिए, थोड़ी सी विड्थ और ब्रेड थोड़ी और कम होती तो अच्छा रहता। मीवी की ब्रांडिंग ऑन बैक साइड, ये प्लास्टिक है, ये रबर टाइप लग रहा है, ये मेटल है। तो जितने भी यूट्यूबर्स ने इसका मतलब इस प्राइस रेंज में जो रिव्यूज़ किए हैं, ओके, मुझे वारंटी इस पर क्लेम करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं कर दूंगा। और क्या मिला है, अरे वाह, ऑक्स केबल भी दिए उन्होंने, छोटी सी ऑक्स केबल है, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ये एक ही ड्रॉबैक है कि माइक्रो USB है इसको, और
इसको हमें 1 एम्पियर तक ही करंट देना चाहिए, बस इतना ही है बॉक्स में। एक यूज़र मैनुअल दिख रहा है। स्पीकर मिलेगा, प्रोडक्ट मैनुअल, माइक्रो यूएसबी केबल मिल गई, ऑक्स केबल मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया इसमें। पता नहीं बैटरी कितनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि फुल होगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए, अगर आपको रीड करने हैं तो पॉज कर सकते हो। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ टू आंसर और रिजेक्ट फोन कॉल्स व्हेन अ कॉल इज इनकमिंग। एलईडी विल ब्लिंक ब्लू क्विकली, प्रेस द प्ले बटन टू आंसर इट। और वही प्ले बटन लॉन्ग प्रेस करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन 318 ग्राम वेट, अच्छा खासा है इसका। देखिए चार्जिंग इनपुट यहाँ पर लिखा है, वो कोई ध्यान नहीं देता। हम क्या करते हैं, मोबाइल का चार्जर फास्ट चार्जर लगा देते हैं, इसीलिए बैटरी खराब होती है। चार्जर यही यूज़ करना चाहिए, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। स्पीकर ड्राइवर ओके, स्पेसिफिकेशन 52 mm ड्राइवर है, बहुत अच्छा बड़ा ड्राइवर है गाइस। 52 mm इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल ड्राइवर साइज। 2000 mAh की 3.7 वोल्ट बैटरी है। ब्लूटूथ 5.0 है, 5.3 होता तो अच्छा रहता। ठीक है, ये बहुत ही मतलब पहले लॉन्च हुआ मॉडल है, लेकिन आज भी मोस्ट डिमांडेड है, क्योंकि प्रैक्टिकल मॉडल है एकदम। तुम्हें इसको कनेक्ट करने के लिए मेरे पास अभी कुछ डिवाइस नहीं है, मैं दूसरा फ़ोन लेके आता हूँ। तो मैं फ़ोन लेके आ गया, अभी इसको मैं ऑन करता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसी कंप्लेंट की कि इसको ऑन होने में और ऑफ़ करने में बहुत ही टीडियस टास्क है। ये इसका माइक्रो यूएसबी ड्राइवर और ऑक्स केबल का इनपुट है, जो अच्छे से बंद होता है, बहुत अच्छे से, सो दैट इसके अंदर पानी ना चला जाए। यहाँ पर एक एलईडी लाइट दिख रही है, यहाँ पर ये स्ट्रैप्स है। स्ट्रैप्स अगर टूट गया तो रिप्लेस करने का फीचर दिया नहीं है इन्होंने, शायद ये खोल के रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसको खोलने के लिए कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो इसको ऑन कर देते हैं। पावर ऑन। ओके, मस्त ऑन। ब्लूटूथ मोड। यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है। चलो हम फोन को पेयर कर देते हैं इसके साथ। और ऐसा नहीं है कि ये चाइना स्पीकर की तरह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है ऑन होने पे, बहुत ही माइल्ड साउंड दिया इसने। पेड। ओके, पेड हो गया। 70% बैटरी है इसमें अभी। कुछ एनसीएस ट्रैक में प्ले करता हूँ, पहले साउंड का डेमो दे देता हूँ आपको। ओके, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल करोगे तो फोन का वॉल्यूम डायरेक्टली कंट्रोल होगा। ओके,
this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from the need. मुझे अच्छा लग रहा है साउंड। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नहीं है मुझे बेस वगैरह कुछ सेट करने के लिए। मीवी का कुछ ऑफिशियल ऐप होगा तो पता नहीं। अभी एक और टेस्ट मुझे ये करनी है कि ऑक्स से लगा के ट्राई करते हैं कुछ। लाइन कनेक्टेड। अरे वाह, इसको ऑक्स कनेक्शन का भी सिग्नल मिल रहा है तो मैं ऑक्स कनेक्ट कर दी मैंने और अभी मैं ब्लूटूथ ऑफ कर दे रहा हूँ। ब्लूटूथ ऑफ। ऑक्स पे परफॉर्मेंस अच्छा। ऑक्स निकालने पे ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ ऑन किया उसने। बहुत अच्छा फीचर है, अच्छी इंजीनियरिंग हुई है, इसीलिए अच्छे ब्रांड लेना ज़रूरी है। क्योंकि जेनेरिक आपको ब्रांड आएंगे उसमें ये कुछ इतना उसको दिमाग नहीं होगा। ठीक है, मैंने अभी ब्लूटूथ पे कनेक्ट किया है। ऑक्स पे मुझे थोड़ा सा लाउडनेस कम लग रहा है। ऑक्स का कुछ यूज़ नहीं है ऑक्स पे, सही में वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। ब्लूटूथ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, आउटपुट अच्छा है और डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं है। मैक्स वॉल्यूम पे भी हमेशा, मतलब नया ही है अभी, मैक्स वॉल्यूम पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। एक बेस वाला सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ मैं मेरे चैनल से ही। बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है स्पीकर की, इतना हम स्ट्रेस नहीं देंगे, लेकिन बेस इतना इम्प्रेसिव नहीं है। मैं मतलब सही सही बताऊँगा हमेशा की तरह, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स खुद के पैसे से परचेस करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे स्पॉन्सर दिया, आपके सामने मैंने ब्लिंकिट करवाया ओपन किए और अगर स्पॉन्सर्ड भी होता तो भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मिड हाइज के दबे दबे नहीं सुनाई देते, अच्छे क्लियर हैं। मेरा मेन पर्पस इससे फोन कॉल करना है। बेस है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो लो फ्रिक्वेंसी हिप हॉप वगैरह आप इस पे नहीं एंजॉय कर पाओगे। जनरली ये ब्लूटूथ स्पीकर या फिर एलेक्सा भी लोगे ना, तो उसका आपको पीक परफॉर्मेंस 50% 70% वॉल्यूम तक ही मिलेगा, अच्छा क्लीन परफॉर्मेंस। अगर आप बहुत लाउड सुनोगे ना तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑडियो रहता है, डिस्टॉर्शन होता है उसमें, तो वैसा कभी मत करना। क्योंकि ये छोटे पोर्टेबल स्पीकर रहते हैं, इनका वो पर्पज़ नहीं है कि वो फुल वॉल्यूम पे सुनाई दे। और वैसा उनका एनक्लोजर जो डिज़ाइन है, ये एनक्लोजर वो कॉम्पैक्टनेस को प्रायोरिटी पे रख के बनाया जाता है। वैसा नहीं है कि इसका फुल पोटेंशियल स्पीकर का मिले इस प्रायोरिटी पे उसको डिजाइन करते नहीं है, इसीलिए इसमें पैसिव रेडिएटर यूज़ करते हैं। इसमें कहीं पर आपको होल या फिर पोर्ट नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड ऑडियो रहता है। तो 70% से ऊपर जनरली नहीं सुनना चाहिए अगर आपको क्लीन ऑडियो आउटपुट चाहिए इसका। ये 70% ऑडियो है, अभी मैं फुल कर देता हूँ। इसका जो बेस है ना अंदर, ड्राइवर जो वाइब्रेट कर रहा है वो बहुत अच्छा, मतलब डायनामिक फीडबैक दे रहा है। आप अगर इसको जेब में वगैरह रखोगे तो मज़ा आएगा, वाइब्रेशंस आएंगे, जो हैप्टिक फीडबैक हम बोलते हैं वो आ रहा है इस स्पीकर में से। मुझे लगता है इसके अंदर एक ही ड्राइवर है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ट्विटर वगैरह कुछ सेपरेटली दिया है। जो मैंने कुछ वीडियोस से स्टडी किया है उसमें से मुझे दिखा था, एक पैसिव रेडिएटर है और एक मेन ड्राइवर है बस। सो दिस वॉज अबाउट द ऑडियो टेस्ट। अभी एक कॉल लगा के देखते हैं, जो मेरा मेन पर्पज है, मुझे ये देखना है कि कॉल पे कैसे आवाज़ आ रही है। तो अभी ब्लूटूथ कनेक्टेड यहाँ पर कॉल पे दिख रहा है, ठीक है, इसी में से आवाज आ रही है। स्पीकर ये साइड में है, यहाँ पर मैं फोन को दूर रख देता हूँ। हेलो हेलो, आवाज आता है का? होगा, क्लियर एकदम हो गया? आता म्हणजे कमी येतोय का? हो आता येतोय का क्लिअर? हो म्हणजे फोन सारखा? हो ओके। तो ये बटन प्रेस करने पे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, और वैसा ही है, अगर कॉल आता है तो ये बटन प्रेस करो, फिर आपको कॉल रिसीव होगा, और अगर आपको रिसीव नहीं करना तो लॉन्ग प्रेस करके रखो, फिर ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये प्ले का बटन है, मतलब मुझे जो आवाज़ आ रहा था वो बहुत ही क्लियर था। आपने देखा अभी हमारे जो फ़ोन के लाउड स्पीकर पे हम सुनते हैं, उस क्वालिटी का आवाज़ नहीं था, बहुत ही क्लियर और लाउड क्लियर आवाज़ था। आपको जेब में फ़ोन ऐसा रखना पड़ेगा कि माइक ऊपर की तरफ आए, ऐसा रखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर ऑडियो आएगा। जेब में रखते वक्त ऐसा फ़ोन रखेंगे ना जनरली लोग, तो माइक इनको इस तरफ देना चाहिए था, ये डिज़ाइन फ्लॉ है, इतना दूर का नहीं सोचते लोग। कुछ डेडिकेटेड स्पीकर्स मैंने जो ऐसा बताया पहले जो आए हैं और स्पीकर फोन की तरह यूज़ करने के लिए, जिसको हम पीछे क्लिप मिलती है, इससे भी कॉम्पैक्ट है वो बहुत, और उसको पीछे क्लिप मिलती है, और लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता मुझे। ये कैसा प्रूवन स्पीकर है, ये लॉन्ग लाइफ चलेगा, और इसमें एटलीस्ट अच्छी खासी बैटरी लाइफ है, नहीं तो बैटरी अगर बार बार डेड होने लगे तो ब्लूटूथ स्पीकर कोई यूज़ नहीं करता, वो पड़ा रहता है घर में किसी कोने में। अगर आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो एक दिन तो बैटरी चलनी चाहिए ना, तभी उसको ऑन करने का मन करेगा, नहीं तो आपको हमेशा एंग्जाइटी आएगी कि भाई बैटरी ख़त्म हो जाएगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या मतलब है उस चीज़ का। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और बिल्ड क्वालिटी सही में बहुत अच्छी है, लोग बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, सही में बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये नया ब्रांड है इसीलिए ये बहुत मेहनत करेगा और आगे जाएगा, और ये बोट की तरह नहीं है बस बाहर से लाओ और चिपकाओ। इन्होंने सही में इनकी इंडस्ट्री दिखाई है, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह दिखाया है ऑनलाइन, तो ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है इंडिया में वो मैं समझ सकता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि समझो ये पूरा बाहर से ला रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि ये ग्रिल, ये बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली इंडिया में बना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या इंपोर्ट करेंगे, बैटरी इंपोर्ट करेंगे, ड्राइवर इंपोर्ट करेंगे, और सही बताओ तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ इंडियन प्रोडक्ट से चाइनीज़ प्रोडक्ट अच्छे है कुछ चीज़ों में, जैसे कि अगर इसकी जगह मैं MI का स्पीकर लेता, MI का अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं MI का ही लेता। उनका आप हिस्ट्री देखो, बहुत उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और उनके प्रोडक्ट्स भी प्रूवन है। तो दिस वॉज माई रिव्यू फॉर मीवी रोम 2, डेफिनेटली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा मुझे लगा फॉर द प्राइस, 1000 रुपीज़ के लिए इट्स वर्थ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो, स्टे ट्यून्ड, लिव लाउड।